पर जितने भी क्रिएटर्स हैं कोई किसी का सगा नहीं है, हर किसी को टांग खींचते रहता है। अभी ये इनको खींच रहा है तो कल इनको खींचेगा। अगर कोई मर गया उस पर भी कंटेंट बनाएंगे, अगर कोई जिंदा है उस पर भी कंटेंट बनाएंगे, अगर कोई मर के बच गया उस पर भी कंटेंट बनाएंगे। जो भी जिस भी हालत में है, सिचुएशन में, उस पर उनको सिर्फ एक कंटेंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको हेल्प करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको सिर्फ एक कंटेंट चाहिए, व्यू चाहिए। अब व्यू अच्छा खासा है तो वो तो है, पैसे की बात अलग है, बट लेकिन हर एक समय उनको दिमाग में चलते रहता है कौन सी किस चीज़ के किस टॉपिक पे बनाए जिससे मेरा व्यू आगे बढ़े। अभी यूट्यूब पर है, जैसे कि अभी देखिए कुछ दिन पहले एल्विस यादव जो बिग बॉस विनर रह चुके हैं, उनका भी यही कहानी है। पहले भी वायरल थे जो कि अच्छे काम के लिए थे, अभी भी वायरल है जो कि थोड़ा सा बुरे। जो कि एल्विस यादव के रियो पार्टी में जो मिला है 20 ml किंग कोबरा का जहर जो मिला है, 20 ml, उसका प्राइस जो मार्केट में है 8 लाख है। कितना प्राइस है? 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख प्राइस है। और उन पे भी को एक बताया था आपको पिछली वीडियो में कि एक एनजीओ है जो कि उस पर केस किया। एनजीओ का नाम भी बताना है, क्या नाम है उस एनजीओ का? नाम है उस, चलिए उस एनजीओ का, उस एनजीओ का, हाँ उस एनजीओ का नाम है PFPFA। PFA का मतलब हो गया पब्लिक एनिमल, सॉरी PFPFA इसका फुल फॉर्म हो गया, पीपुल फॉर एनिमल, पीपुल फॉर एनिमल। ये एक एनजीओ है जिन्होंने इनके ऊपर केस किया है। तो बताइए 20 ml जहर का क्या प्राइस हो गया? 8 लाख। तो रेयो पार्टी में जो चल रहा था 8 लाख, अभी इसी के चक्कर में एल्विस यादव पकड़े गए। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप लोगों को बता रहे, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सिर्फ एक उनको टॉपिक चाहिए। बंदा कोई भी रहे उसे कोई मतलब नहीं, कितनी बड़ी हैसियत है उससे कोई मतलब, उसको हम घसीट देंगे। एक ही लाइन में कहना है कि आप क्या है, नहीं है मुझसे, मुझसे उसे कोई मतलब नहीं है, आपको हम एक ही लाइन में घसीट देंगे। हाईवे हो, रोड हो, कोई भी हो, समझ रहे ना, हाईवे हो, रोड हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब किसी को फराब नहीं पड़ा। अगर आप मर भी गए फिर भी आपको घसीटेगा यूट्यूबर, जिंदा है फिर भी घसीटेगा, मरे हुए फिर। उनको एक टॉपिक चाहिए, कंटेंट चाहिए, वो जो हो, एक लाइन बोले जो हो, आपको बस रिलाई होगा और कुछ नहीं होगा।